बुखारी और आप देख रहे हैं वन पॉइंट। नासिन आज मेरे साथ मौजूद है फिल्म सरदारनी की कास्ट और फिल्म सरदारनी की हीरोइन जिनका नाम है कायनात खान, जो कि फिल्म प्रोड्यूसर भी हैं और राइटर भी हैं, और इसके साथ साथ हमारे साथ डायरेक्टर भी मौजूद हैं जिनका नाम है सिकंदर खान, और इसके साथ साथ एक न्यू टैलेंट जो इस फिल्म में काम कर रहा है जिनका नाम है काशिफ जट साहब। आज हम इस फिल्म के हवाले से बात करेंगे और इनसे पूछेंगे कि आखिर किस तरह से जो हमारी फिल्म इंडस्ट्री है वो और ज़्यादा ग्रो कर सकती है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसी हैं मैम आप? जी अल्हम्दुलिल्लाह मैं ठीक ठाक हूँ। अच्छा, सबसे पहले तो मुझे ये बताएं कि आपके मैंने काफ़ी ज़्यादा प्रोग्राम्स भी देखे हैं, एज एंकर भी आपने काम किया और आपके प्रैंक्स माशाल्लाह वो तो मैं काफ़ी शौक से देखती हूँ। मुझे बताएं कि आपने ये जर्नी जो है इसको स्टार्ट कब किया? हाई ये काफ़ी मुश्किल है क्योंकि जब मैंने स्टार्ट किया काफ़ी अर्सा पहले स्टार्ट किया, 8 ईयर पहले, तो मगर मुझे लगता है कि मैंने अब स्टार्ट लिया क्योंकि जब मैंने सिकंदर खान के साथ काम करना शुरू किया तो मुझे लगा कि मैंने अभी रिसेंटली स्टार्ट किया क्योंकि मुझे इनका काम बहुत पसंद है। इस वजह से तो मैं समझती हूँ कि मैं अभी कहीं बताऊँ कि मैंने अभी स्टार्ट किया। आपको इनका कौन सा काम पसंद आया जो आपने ये फैसला किया कि मैंने इनके साथ काम करना है? हाई इनकी मुझे डायरेक्शन लेवल बहुत पसंद है, एक्टिंग लेवल बहुत पसंद है। ये कोई इनके मुँह पर तारीफ नहीं है, जो कि मैंने सच जाना तो मैंने मतलब सोचा कि मेरा स्टार्ट अभी है। वो पहले जो मैंने किया था वो मेरी स्ट्रगल थी, अभी मेरा स्टार्ट है। तो मुझे ये बताएं कि आपने कितने ड्रामास में काम कर चुकी हैं और कितने फिल्म्स में आप अब तक काम कर चुकी हैं? अल्हम्दुलिल्लाह काम तो काफ़ी किया, पर सीधी सी बात है कि मैं पहले ही कह चुकी हूँ आपको कि मुझे काम करने का बिल्कुल वैसा नहीं लगा जैसे मैं करना चाह रही थी। तो जब मैंने इनके साथ स्टार्ट लिया तो अल्लाह का शुक्र अदा करती हूँ कि मेरी वो जो कहते हैं ना जो दिल में आस होती है, जो उम्मीद होती है कि वो पूरी हो गई। सिकंदर खान आप बताएँ कि आपने कब अपनी जर्नी को स्टार्ट किया? जी मुझे मैक्सिमम 18 ईयर्स हो गए हुए हैं इस सफ़र को स्टार्ट किए हुए, और एज ए आर्टिस्ट और एज ए डायरेक्टर 4 ईयर्स हो गए हैं मुझे स्टार्ट किए हुए। आप कितने टोटल ड्रामास और फिल्म्स में काम कर चुके हैं? बेतहाशा मैक्सिमम 18 मूवीज मेरी जो एज ए हीरो आ चुकी हैं। उसके बाद ARY पे ड्रामा पनाह चला है, और उसके बाद मुजरिम कौन और अमानत, काफ़ी प्लेस टीवी प्लेस किए। फिर मैम सभा के साथ जो लास्ट टाइम मूवी हमने की थी प्यासी, जिसका टाइटल कायनात खान साहब कर रही थी और बड़ा बिजनेस किया। हालांकि हमारी जब फिल्म रिलीज़ हुई प्यासी, उसके सामने जो फिल्म थी वो कराची की थी, ब्लाइंड लव। फैसल बुखारी साहब ने उसको एज ए डायरेक्टर किया था, लेकिन हमारी जो फिल्म थी ये पंजाब की थी और वो 1 करोड़ की थी। हमारी मूवी मैक्सिमम कोई 30 लाख की थी उस वक्त, आज से कुछ तकरीबन 6 ईयर 6 साल पहले की बात है। तो हमारी फिल्म ने अच्छा बिजनेस किया और उस 1 करोड़ की फिल्म को मुंह तोड़ जवाब दिया, और वो 1 हफ्ते बाद उतर गई। और हमारी प्यासी फिल्म जो मैम साहब टाइटल कर रही थी, इसने मैक्सिमम 2 मंथ जो है सिनेमास में निकाले और बड़ा अच्छा रेवेन्यू भी हासिल किया। सर मुझे ये बताएं कि आपको नहीं लगता कि हमारी फिल्म इंडस्ट्री जो है वो ज़्यादा ग्रो नहीं कर पा रही, इसके पीछे आपको क्या लगता है कि कौन सी ऐसी वजूहत हैं जिनकी वजह से ऐसा हो रहा है? इसकी वजह ये है कि एक तो हुकूमत जो है हमारी वो सपोर्ट नहीं कर रही। अब इंडियन इंडस्ट्री है, हम जिसका बार बार तस्करा करते हैं, हमारी आजकल की जनरेशन भी उनका नाम लेती है। अच्छा, वहाँ पे हम अगर 25% मूवी हम बनाते हैं तो 75% जो है उसका कर्ज देती है, लोन देती है उनकी गवर्नमेंट। जबकि हमारी इधर अगर 25% बना भी लेते हैं तो उनको लोकेशनें नहीं दी जाती। हकूमत को चाहिए कि अब हमें लोकेशन जो हैं वो मुहैया की जाएं, ताकि हम दूसरे ममालिक को दिखा सकें कि हमारा मुल्क बड़ा खूबसूरत है, आए देखें। अच्छा, आपसे मैं क्वेश्चन करता हूं कि आपने ताजमहल देखा है? रियल में नहीं देखा। कहां पे देखा है? मूवीज में देखा है। इसी तरह हमारी हकूमत को चाहिए, और मेरा ख्याल है कि मोस्टली लोगों ने ताजमहल सिर्फ मूवीज में, इंडियन मूवीज में देखा है। अब गोरों को नहीं पता कि शाही किला कहाँ पे है, पाकिस्तान में ये कितना खूबसूरत है।
ये कैसे पता चलेगा? ये हमें मुहैया करेंगे, इंडस्ट्री को देंगे, फिल्म को देंगे कि भाई ये इंडस्ट्री है, आप ये लें फ्री ऑफ कॉस्ट करें, और ये केयर्स हैं इसकी, बस इसके SOPs हैं, ये आप करें। अब हमें परमिशन लेने के लिए, आप यकीन माने, कम से कम 3 से 4 मंथ लग जाते हैं, और उसके बाद वो डिमांड इतनी कर देते हैं कि जी इतने लाख रुपये आप जमा करवाएं सिक्योरिटी के तौर पर एडवांस में, उसके बाद आपको लोकेशन दी जाएगी। तो हम इन हालात में कैसे काम कर सकते हैं? फिर हमें जो एक जेल का सेट चाहिए होता है, जेल की जगह हम वो लकड़ी का बनाते हैं, तो उसको हम इतना, हमारे प्रोड्यूसर के पास बजट नहीं होता, फिर हम उसको क्या करते हैं, अल्फाजों में कहला देते हैं कि जी ये इतने साल जेल रह के आया, अब ये फ़र्क आ गया। तो इसलिए इंडस्ट्री को बेहतर करने के लिए हुकूमतों की सपोर्ट्स चाहिए होती हैं, उनको चाहिए कि वो साथ दें प्रोड्यूसर्स का, और फिर इक्विपमेंट जो हैं हमारे, जो कैमराज हैं वो लेटेस्ट टेक्नोलॉजी जो है वो हुकूमत को चाहिए। कि पिछले दिन भी एक बात हो रही थी, हुकूमत की तरफ से वफद आया हुआ था, तो हमने उनसे भी रिक्वेस्ट की थी, हमने कहा था जो हमारे वज़ीर इत्तला'आत थे उनसे हमने रिक्वेस्ट की कि आप जो हैं आप हेल्प ना करें, जैसे कि आप 10-10, 5-5 हज़ार रुपये एक्टरों को दे रहे थे, ये ना दें, आप ऐसा करें कि कैमराज ले आएँ, इक्विपमेंट जो हैं वो लाएँ आप, और वो जो है फ्री ऑफ कास्ट या उसकी एक नॉर्मल सी बजटिंग जो है वो आप बना लें कि ये कैमरा एरी कैमरा अब अफोर्ड से बाहर है, जबकि जितने भी इंटरनेशनल लेवल हैं वो सब एरी कैमरास पे इस्तेमाल कर, एरी कैमरा की शिफ्ट इस वक्त वो 80 से 90 हज़ार रुपए है 8 घंटे की। अब कौन बंदा, कौन प्रोड्यूसर बेचारा अफोर्ड करेगा? अब जिस बंदे ने फिल्म बनानी है 25 लाख की, 50 लाख की, 1 करोड़ के राउंड अबाउट, अब वो एरी अफोर्ड इन करेगा? तो हुकूमत को चाहिए ऐसे आलात हमें दें ताकि हम एक नॉर्मल बजट में वो लेके, यानी कि अगर उसका 10,000 शिफ्ट कर दी जाती है हुकूमत लेवल पे, तो वो 10,000 पे करके एरी पे हम शूट करेंगे, उसका रिजल्ट अच्छा आएगा, इंटरनेशनल लेवल मार्केट को हम टच करेंगे, और उधर से रेवेन्यू आएगा, उधर से जितना बजट आएगा वो हुकूमत के खजाने में भी जाएगा। तो ये रिक्वेस्ट है आपके चैनल के तवज्जो से कि हुकूमत को ये ज़रूर सोचना चाहिए, हमारे प्रोड्यूसर का साथ देना चाहिए, हमारी इंडस्ट्री सिर्फ इस वजह से पीछे है कि हुकूमत साथ नहीं दे रही। सर, आपने एज अ डायरेक्टर भी फिल्म में काम किया, आपको किन किन मुश्किलात का सामना करना पड़ा फिल्म सरदारनी में? जी सरदारनी में सबसे पहले कास्टिंग का जब मरला आया तो बड़ा टफ था हमारे लिए, स्क्रिप्ट मैम साहबा ने बड़ा टफ लिखा हुआ था, क्योंकि कायनात साहबा ने इस स्क्रिप्ट को जो है वो लिखा है, और जो इन्होंने लिख दिया है वो एक इंडियन इंडस्ट्री लेवल से भी ऊपर है, उनकी सोच से भी ऊपर है, क्योंकि इनकी ज़ाती तख्लीक है, कॉपी नहीं है। अब जब स्क्रिप्ट सामने आया तो सबसे पहले तो मैं आपको बताऊं, जब स्क्रिप्ट का कुछ सीन होता है ना मेरे साथ डिस्कस करती हैं, तो मैं कहता हूं मैम साहब ये मुझे पहले परफॉर्म करके बताएं। अब एक पागल का बीच में था, तो मैंने कहा मुझे वो बताएं कि वो पागल किस नौयत का है। जी, जी, जी। तो ये मुझे पहले तो इनसे कहते हैं वो पागल का जो आपने शॉर्ट ले, बताएं जरा इस स्क्रिप्ट के बारे में। असल में जब खान साहब जो है ना स्क्रिप्ट इस लेवल का लेते हैं कि वो कहते हैं कि भाई इस स्क्रिप्ट में क्या है, यानी कि जो आप मुझे वन लाइन सुना रहे हैं उसमें क्या है ऐसा, कि मैं यही मतलब पार्टी को सुना के, यानी प्रोड्यूसर को सुना के उसका प्रोजेक्ट हासिल कर सकूं, तो इसमें ऐसी क्या ख़ास बात है, या तो आप मुझे इसका क्लियरली सारे जो करेक्टर हैं इनको एक्सपोज करके बताएँ। तो मैं कहती हूँ यार मुझे हर करेक्टर को एक्सपोज करना पड़ेगा, चलें कोई बात नहीं। तो एक पागल का, इन्होंने कहा चलें ठीक है एक पागल को एक्सपोज करके बताएं कि कैसे करेंगी वो। तो वो पागल है कि उसकी बेटी मर गई है, अब उसको ना अचानक से पता चला है कि उसके साथ ज्यादती भी हुई है और वो मर भी गई है, ठीक है ना। अब किसी को अचानक से खबर मिले तो वो कैसा फील करता है, जारी बात है वो तो पागल हो जाएगा, एक मेंटली तौर पर बिल्कुल फारग हो जाएगा कि भाई मेरे साथ क्या हो गया, मैं कहाँ हूँ। तो वो ऐसे कर रहा है, रखी रखी पुत की होया, क्यों है पुत की होया, तेरा विआह होने वाला ना, उठ पुत इत्थे क्यों सुती है, की हो गया मेरे पुत, उठ शाबाश उठ 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 मेरा पुत उठेगा। तो इस तरह से ना मतलब वो वैसे ज़्यादा करना पड़ता है, पर मैं यहाँ थोड़ा करके दिखा रही हूँ तो इसी से मैनेज कर ले क्योंकि मैं ये एक्ट कर करके दिखाती हूँ, फिर जाके मेरा स्क्रिप्ट अप्रूव होता है, फिर जाके माशाल्लाह मुझे यानी कि वो हाँ मिलती है कि जी ठीक है आपका स्क्रिप्ट किया जाएगा। बताती हूँ फिर उसको मैं अपने रंग में डालता हूँ, क्योंकि एज ए आर्टिस्ट भी हूँ, तो जैसे इन्होंने ये सीन का तो वो आगे बेटी की क्योंकि लाश पड़ी हुई है, और जब एक जवान बेटी की लाश देखकर बाप के होश वैसे ही उड़ जाते हैं, इसलिए तो बड़ा ख्वाब थे इसके और ये क्या हो गया। तो वो जो चौधरी इंसाफ करने वाला है उसके दर पे लाश पड़ी है और उसके भाई ने ही मर्डर किया है जिससे वो इंसाफ मांगने आया, तो वो एक सिचुएशन थी। तो इन्होंने जब मुझे आइडिया दिया तो मैंने कहा ठीक है ये मैं इसको करता हूँ, फिर मैं उसको अपने हिसाब से बनाता हूँ,
आप पूरा करके दिखाओगे ये पूरा करके एक्ट करके दिखाएंगे, चले सर दिखाएं आप, बेस्ट ऑफ लक जी। वो उसका वो सामने लाश पड़ी है तो कहते हैं होए चौधरी होए होए ऐ देख मेरी थी वो तेरे दाते आ गई है इंसाफ मंगना से होठ मेरी थी की होए मेरे पुत्र नु होठ ना वो दाते ना बंदे नु कि मेरी थी नु की होया सी ऐ चौधरी खड़ा है इस पिंड में चौधरी है मेरी धी नु इंसाफ देने वास्ते खड़ा है बोलती उठ ना ओए लोको ओए मेरी धी नु वेखो ओए उठ नहीं पई ऐ वेखो हले तो दो दिन बाद इहदी शादी सी। यानी कि इस टाइप का जब हम उसको अपने एंगल में करते हैं ना तो उसको बनाते हैं कि ठीक है अब फिर मैं मुतमिन होता हूँ स्क्रिप्ट आपका अच्छा है जानदार है अगर ये परफॉर्मेंस हमें आर्टिस्ट दे जाता है तो वेल एंड गुड। आपने बहुत ही फैबुलस एक्ट करके दिखाया आप क्या कहना चाह रही हैं? मैं ये कहना चाह रही हूँ कि ये ऐसा ही परफॉर्म करवाते हैं मुझसे और ये कहाँ पे करवाते हैं ये अक्सर मुझसे गाड़ी में करवाते हैं हमें ना गाड़ी में ही आमद दोनों को होती है कि जी मुझे कहते हैं कि ये सीन को परफॉर्म करके बताएं तो मैं परफॉर्म करके बताती हूँ बिल्कुल ऐसे ही करना पड़ता है फिर ये कहते हैं कि ठीक है ओके राइट हो गया यानी कि पक्का हो गया ये अच्छा है तो वरना नहीं अगर मैं नहीं परफॉर्म करके बताती तो ये मेरा स्क्रिप्ट अप्रूव नहीं होता। और मुश्किलात की जहाँ तक मेरी बहन आपने बात की तो मुश्किलात ये आ रही हमें लोकेशंस की के लोकेशंस जो डिमांड है राइटर ने जो लिख दी हुई हैं अब वो अवेल नहीं हो रही हमें। हमने पिछले दिन 12 दरी करनी थी तो हमें एड़ी चोटी का जोर लगाना पड़ा उस लोकेशन के लिए तो बड़ी मायूसी हुई। ये नहीं होना चाहिए, इंडस्ट्री को कम अज़ कम छूट होनी चाहिए कि ये जहाँ चाहें एप्लीकेशन दें अपना स्क्रिप्ट जमा करवाएं, स्क्रिप्ट जमा करवाने के बाद उनके जो SOPs हैं उस पे वो रखें कि एग्री हों कि जी ठीक है हम इनका ध्यान रखेंगे और वो शूटिंग कर सकते हैं। और फ्री ऑफ कास्ट होनी चाहिए। सर आपको क्या लगता है पाकिस्तान में इस तरह से क्यों नहीं हो रहा ये? अभी जनरली बात आपको बताऊँ हमारे जो 80% लोग हैं देहात हैं वो अभी तक एक्टरों को कह रहे हैं जी ये मरासी ने यानी शोबीज के लोग ये जेन्युइन बात कड़वी है वो अभी तक एक्टरों को कहते हैं शोबीज के लोगों को यानी कि ऑल ओवर शोबीज अगर कैमरामैन है होस्ट है वो एंकर है वो राइटर है डायरेक्टर है आर्टिस्ट है उनको अभी तक ते मरासी हो गए ओ भाई। अब देखो कि दूसरे जो कंट्रीज हैं उनका अप्रोच माइंड लेवल चेक करें वो कहते हैं हम अपनी बुक्स में पढ़ाते हैं अमिताभ को अपने लेजेंड्स को अपनी बुक्स में पढ़ा रहे होते हैं कि ये देखें ये आम इंसान नहीं है इसके अंदर 100 इंसान के फनकार के 100 इंसान के बराबर एनर्जी है उसके बाद एक फनकार बनता है। वैसे भी एक्ट करना कोई टिकटॉकरों के बस का काम नहीं है। टिकटॉकर जो है ना जस्ट आके वीडियो एक बना देते हैं वो अपना दिल बहलाते हैं वो आवाम को एंटरटेन नहीं कर सकते। टिकटॉक पे तो वैसे भी एक बात लाजम हो गई है कि लोगों को लड़कों को लड़कियां मिल गई और लड़कों लड़कियों को लड़के मिल गए रिश्ते हो गए घरों में बासहानी इंटरटेन नहीं हुए वो एक आम सी चीज़ है तो एक्टिंग लेवल नहीं है वो। टिकटॉक जो है उसको एक मैरिज ऐप होना चाहिए टिकटॉक ऐप के बजाय जो है तो वो एक 15 सेकंड का या 20 सेकंड का आप क्या एक्ट कर रहे हो भाई? आपने अगर काम करना है तो आए फिल्म आपका प्लेटफॉर्म मौजूद है भाई आप एक एक आपको रास्ता मौजूद है आपके पास आप अपना फन मनवाना चाहते हैं तो आप आए इंडस्ट्री में काम करें दिखाएं लोग आपको सलूट करें और कहें कि वाकई अच्छा काम कर रहे हो। बिल्कुल सर मैंने फिल्म सरदारनी का ट्रेलर भी देखा मुझे काफ़ी अच्छा लगा है। मैम मेरा आपसे एक क्वेश्चन है कि आप अपने करेक्टर के बारे में कुछ बताएं क्योंकि वो बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग है। हाँ बिल्कुल मेरा करेक्टर बहुत इंटरेस्टिंग है इसमें बहुत मज़ा आ रहा है क्योंकि इसमें ना मुझे पगड़ी पहनाई गई है कि जो कि सिखों का कल्चर है सिख भाइयों ने मतलब अक्सर उनकी बहनें भी पहनती हैं पगड़ियाँ बहुत क्यूट लगते हैं। तो मेरे करेक्टर में ये है कि मेरे वालिद की जो ना वफात हो गई है मेरे चचा लोगों ने मार दिया उन्हें तो उसके बाद ना घर की सिर्फ एक पर्सन मैं ही हूँ तो मेरे सर पे पगड़ी आ गई बाप की तो ये वो वाली पगड़ी है तो बकाया आपको फिल्म में इंटरेस्ट पैदा होगा। अच्छा मैं मुझे ये बताएं कि आपने किस किस टाइप का जो एक्ट किया हुआ है यानी कि आप गरीब बेटी का अमीर लड़की का मजबूर आम बिल्कुल मजबूर लेडी का इसके अलावा नहीं पागलों वाला किया नहीं है पागलों वाला मैं करके परफॉर्म दिखाती हूँ। एक सॉरी माधुरी के साथ है, एक इनका ना ये जब स्टार्ट में आई थी इनका इनाम साहब एक पश्तो फिल्म कर रही है ये और पहला इनका शूट है फिल्म भी पहली है
अच्छा डायरेक्टर इनको पश्तो में कह रहा है जरा रो के दिखाएं आपकी माँ की लाश पड़ी हुई है, तो वो जरा वाक्य सुनाए आपके साथ जो। अच्छा पता है क्या, डायरेक्टर को डिमांड थी कि वो जो हीरोइन है ना उसकी वालदा की वफात हो गई है, और मेरी पहली फिल्म थी पश्तो की जिसका नाम था जमा अरमान, उसका नाम था बदनसीब प्लार, उनके नाम ही बड़े अजीबो गरीब होते हैं। जमार मान जो थी वो फुल बड़ी मूवी थी, और बदनसीब प्लार थी ये मूवी। तो इसमें उन्होंने कहा कि रोना है आपने, ऐसे रोना है। अच्छा मुझे अब आइडिया नहीं वो क्या बोल रहा है, ऐसे कहता है ऐसे रोना है, कहता है तुम्हारी माँ मर गए तुम रो, ऐसे ऐसे कर रहा है। मैंने कहा ये कैसे मैं रोऊं, ये ऐसे ऐसे कर रहा है, मुंह पे ऐसे नाखून मार रहा है ऐसे। तो मैं उसकी तरफ देखा तो मुझे कहता रो रो कैमरा ऑन हो गया कहीं ना रो रो। तो अब मैं कह रही कि ऐसे ऐसे रोऊं, तो तंग आके ना मैं ऐसे ऐसे करने लगी, तो मतलब सब हंसने लग गए, कहते ये नहीं करना आपने रोना है। तो डायरेक्टर ने अपने अंदाज में बताया था ना कि आपको रोना नहीं आ रहा तो आपने रोना है, तो उसने कहा जी कैमरा रोलिंग एक्शन करोए, तो ये आगे से उन्होंने कहा भाई ऐसा है आपकी माँ की लाश पड़ी हुई सामने, और लाश पे ऐसे नहीं रोते। अब जैसे आपका एक आपको बताया अंदाज कि ये अंदाज है तो आप अपने अंदाज से रोएगी, तो ये एक्टरों के साथ जो नए नए आते हैं उनके साथ ऐसे मिस हैब होते हैं। नहीं नहीं असल में मुझे पश्तो वालों को ना समझ कम आती थी कि वो क्या कहना चाहते हैं। असल में वो कहना चाहते थे अपने तरीके से रो, पर मुझे समझ नहीं आई थी कि वो क्या कह रहा है। मुझे लगा कि उसने ऐसे ऐसे कहा है तो ऐसे ही रोना है, उसने कहा आंसू लाओ रो, यानी कि अब जाके समझ आई कि वो ये कह रहा था। तो पहले नहीं समझती, पहले तो मुझे यही समझ आ रहा है कि वो मुझे ऐसे ऐसे कह रहा है रो मेरी माँ मर गई, तो बस ऐसे ही मैंने किया। आपने कभी हॉरर कोई एक्ट किया? हॉरर हाँ बिल्कुल किया। मेरा ख्याल है मैंने 3 दिन का मुसलसल सफ़र करके गिलगित जाके किया, वो क्या उसकी पहाड़ी बहुत वो जो सबसे बड़ी पहाड़ी है 0 पॉइंट जहाँ पे है, वहाँ पे इतनी सर्दी में वो मुझे उन्होंने परी बनाया हुआ था, तो जिसमें मुझे नकाब पोछती सिर्फ मेरा इतना हुड से फेस आता है, और वो एक शमान था वहाँ पे जो बकरा पूरा खाता था कच्चा, तो मैं उस पर यानी कि वो आशिक थी, यानी कि वो मेरे इश्क में बकरा खाता था पूरा, तो ये हॉरर था। और मैं वहाँ पे बिल्कुल ब्लू कलर की पड़ गई थी, मेरे और आंखें ब्लू हो गई थी यानी, तो उन्होंने मुझ पे सारे अपने कोट डाल दिए, फिर जाके कहीं मुझे थोड़ी देर के बाद होश आया इस सीन के लिए। बड़े बड़े वाक़यात होते हैं अच्छा शूटिंग के ना, जब जुनून होता है तो एक बड़ा पैशन होता है इंसान के अंदर कि ये करनी है। उस रात यकीन माने जब सुबह शूट होती है, अभी भी हमारा ये हाल है, हमें रात भर नींद नहीं आती कि सुबह शूट पे जाना है, और इसी आलम में जब सुबह शूट का टाइम होता है तो आंखें वो सारी सोजशाही होती है, माइंड आपका वो होता है ब्लॉक हुआ होता है। तो मैं और कायनात जा रहे हैं पिछले दिन शूट पर ना, हम गुजरांवाले जा रहे थे, तो मेरे पास ना वो सदके के शॉपर हमने लिए वो चीले रास्ते में दरियाए रावी आते हैं तो उधर रखा हुआ था, वो गाड़ी की जो सीटें होती हैं दो वो लेके मैंने शॉपर उधर रख लिया। अच्छा बारिश हो रही थी हल्की हल्की, तो मोबाइल भी मैंने कहा भाई निकलना, मोबाइल भी मैंने शॉपर में रख के ना उधर रख दिया साथ उसके, मैंने कहा जब दरिया आएगा ना तो उसमें फेंक देंगे। अब थोड़ी देर आगे कहना मैंने कायनात वो सदके वाला शॉपर फेंक दें, इन्होंने शॉपर फेंक दिया। अच्छा उधर हम गुजरांवाले पहुँच गए तो प्रोड्यूसर का उनका ना फ़ोन ही नहीं आ रहा, तो मैंने कहा अल्लाह खैर, मैंने कहा शायद कैंसिल ना होगी बारिश की वजह से। तो उधर जब पास पहुंचे ना मैंने कहा उनको फ़ोन तो कर लें जो प्रोड्यूसर हैं कि हमने लोकेशन देखने जा रहे हैं फिल्म की, तो ये कहाँ पे वो होंगे, उनका फ़ोन भी नहीं आ रहा। अच्छा इन्होंने देखा तो वो सदके वाला गोश्त वाला शॉपर पड़ा हुआ था, मोबाइल वाला शॉपर फेंक दिया इन्होंने। कहती अब ये क्या करें, मैंने कहा ये पका के आप मुझे ही खिला दें क्योंकि सदका तो हमारा निकल गया। तो बस गल इस ये भी टेंशनें हो जाती हैं। तो नहीं पिछले दिनों मेरे साथ एक हुआ कि मैंने एक ग्रुप को ज्वाइन किया, सोचा कि अपनी ना वीडियो सेंड करती हूँ इंडियन लोगों को भी, ये जो हमारा सरदारनी का आया है, तो मैंने कहा चलो मैं शेयर करती हूँ उनसे। अच्छा तो उन्होंने लिखा हुआ था जय श्री माँ, तो कहते अपने मर्जी से ना ग्रुप का नाम बदल दें। अब जय श्री माँ जो है ना वो माता, सॉरी जय श्री माता, तो अब मुझे उसकी समझ नहीं आई तो मैंने लिख दिया या अल्लाह, उन्होंने मुझे लेफ्ट कर दी। बाद में मैंने सोचा मुझे उन्होंने लेफ्ट क्यों कर दिया, फिर मुझे याद आया कि मैंने उनके ग्रुप का नाम ही चेंज कर दिया। तो यानी सम टाइम बंदे का दिमाग नहीं चलता, बड़े बड़ों को नहीं चलता। जी बिल्कुल ठीक कह रही हैं। अच्छा आपने फिल्म में एक सरदारनी फिल्म में एक न्यू टैलेंट भी है काशिफ जेट, हम उनसे भी बात करते हैं कि आखिर उनका ये फर्स्ट एक्सपीरियंस है, क्या कहना चाहेंगे आप? मैं तो बस यही कहना चाहूँगा कि
पहले फिल्म इंडस्ट्री में जब सर मैं आया हूँ ना, मुझे कम से कम 6 साल हो गए हैं मैं फिल्म इंडस्ट्री में, मैंने धक्के खाए हैं। यहाँ पे जितने भी लोग हैं ना, कोई काम करने वाले नहीं। बहुत काम मुझे सिकंदर साहब मिले, कन्हैया तापी मिले, इनसे मैंने रब्ता किया, ठीक है। उन्होंने मुझे कहा आप इधर आए स्टूडियो में मिलें, ठीक है, तो हम आपको करते हैं। मैं ठीक है सर, मैं इनके पास आया, इनके पास आके इनके मैं मिला हूँ, ठीक है। मुझे अपने बच्चों की तरह मुझे संभाला भी है, मुझे एक्ट भी करना सिखाते हैं, डांस भी सिखाते हैं, हर एक चीज़ें ये बताते हैं। फिल्म में जैसी आपकी नज़र आ रही है एक्टिंग, वो सब कुछ इन्होंने सिखाया? जो सब कुछ इन्होंने मुझे बताया। अच्छा। मुझे बस शौक था करने का, इतना आता नहीं था मुझे। पॉलिश ये कर रहे हैं तो माशाल्लाह, ये हमारी सरदारनी जो मूवी है ये बहुत अच्छी बन रही है, इंडिया लेवल की। इंडिया से बकायदा मुझे मैसेज भी आए हैं सिखों के कि आपकी ये जब मूवी यूट्यूब पर आएगी हमें ये लिंक सेंड करना, हम इधर अपने इंडिया में पब्लिसिटी करेंगे आपकी मूवी की। जी, आप अपने कैरेक्टर के बारे में कुछ बताएं। कैरेक्टर बस मेरा है थोड़ा सा डर फोकोलूँ मैं पहले मूवी में, तो सेकंड में जाके ना मैं मूवी के दलेर बनूंगा। फर्स्ट में मैं बस डर फोकल दिखाया जाऊँगा कि डर रहा हूँ, लड़ाई से मैं झगड़ों से डरता हूँ, मैं उधर नहीं लड़ता उनके साथ, ठीक है, वहाँ से मैं नहीं लड़ता होता। तो फिर एंड में जाके जब मैं दलेर हो जाऊँगा। जी, मूवी में आप क्या कहेंगी इस कैरेक्टर के? नहीं, इनका करेक्टर बहुत खूबसूरत है। इन्हें शॉर्टकट बताया गया है कि आप शुरू में आप डरपोक से हैं, जैसे कि हमारे घरों में भाई वगैरह होते हैं कि कुछ भाई लड़ते हैं कुछ नहीं लड़ना चाहते, तो इनका पहले डरपोक का है और बाद में इनका ना, यानी कि एक लग गया पता है कि नहीं मैं डरपोक रहा तो मैं भी मर जाऊँगा, तो अपने आप को भी बचाते हैं, तो इस वजह से ये बहादुर हो जाते हैं। एक ना स्क्रिप्ट में एक इन्होंने लिखा है कि हादसा ऐसा हुआ है इनकी फैमिली के अंदर, कत्लो गारत ऐसी हुई है स्टार्ट बचपन में, उस वक्त ये और सरदार ने छोटे छोटे थे, तो वो हादसे की वजह से वो इस तरह असरअंदाज वो हादसा हुआ इस लड़के पे कि ये उधर से इसके अंदर खौफ और डर बैठ गया। अब जहाँ भी झगड़ा होता है कुछ होता है तो ये लड़का जो छुप जाता है या फिर वो अपने हिसाब से सबसे कमज़ोर बंदा ढूंढ के उसे मारता है, तो ये इनका करेक्टर। और बाद में जब इसको होश आता है तो ये फिर उसको हाइट क्रिएट करता है, फिर ये अपना बदला लेने के लिए सरदारनी के साथ मिलके ये फिर अपना बदला लेते हैं सारा। सर, मूवी जो है काफ़ी इंटरेस्टिंग लग रही है और मैं सबको ये कहना चाहूँगी कि जब मूवी आएगी आप लोगों ने ज़रूर देखना है मूवी को और कमेंट भी ज़रूर पास करना है। अच्छा सर, मैं लास्ट में आपसे ये कहना चाहूँगी कि आप यूथ को क्या मैसेज देना चाहेंगे? यूथ को ये मैसेज है, जो लोग आना चाहते हैं फिल्म इंडस्ट्री में, शौकिया नहीं, जिनके अंदर शौक है वो प्लीज़, क्योंकि शौक हर बंदे को है, जुनून किसी किसी को है। जैसे आप एंकर हैं, आपको जुनून है, तो शौक नहीं है, जो शौकिया लोग हैं वो घर बैठे हैं, तो जो जुनून वाले लोग हैं वो आएँ, ज़रूर आएँ, लेकिन सीख कर आएँ। देखें, अगर आप प्रॉपर एक तरबियत हासिल करके आएंगे ना तो जल्दी कामयाब हो जाएंगे, कामयाबी के दरवाजे आपके लिए खुल जाएंगे। वरना अगर सीख के नहीं आएंगे, कम से कम आपको 10 साल सीखने में लगेंगे, उसके बाद फिर सीखना पड़ेगा आपको कामयाबी के लिए। तो ये रिक्वेस्ट है, जब भी आएँ सीख के आएँ, अच्छे टीचर ढूँढें, उनको तलाश करें कि कौन सा अच्छा टीच करवा रहे हैं, उसके लिए फाइट सीखें, एक्टिंग सीखें और प्रॉपर एक तरबियत हासिल करने के बाद आएँ। मैं मैसेज देना चाहूँगी कि हम फ्री क्लासेस दे रहे हैं, अगर कोई सीखना चाहता हो तो सिकंदर खान साहब फ्री क्लासेस दे रहे हैं, एक्टिंग की दे रहे हैं, फाइट की दे रहे हैं, डांसिंग की दे रहे हैं। अगर कोई आना चाहता है, शौक वाला बंदा ना हो, जुनून वाला बंदा हो, जिसे कि काम की कदर हो, वो आए, ना कि कोई आलतू फालतू लोग आके हमारा भी टाइम वेस्ट करें और अपना भी। ये आपके चैनल के तवस्त से जो है, ये हम जो नए आने वाले हैं, ये उनको जो सब्सक्राइब भी करें इस चैनल को, लाइक भी करें, आगे शेयर भी करें, ये हमारा पैगाम इस चैनल के ज़रिए शेयर ज़रूर कीजिएगा कि जो इस चैनल का हवाला हमें देगा उसे ना फीस चार्ज की जाएगी एक्टिंग करने के लिए, ना डांसिंग के लिए फ़ीस चार्ज की जाएगी, और ना ही फाइट जो हमारी फिल्म की फ़ाइट होती है उसके लिए कोई फ़ीस चार्ज होगी। ये आपके चैनल के तवस्त से ये हमारा गिफ्ट है एक जो आने वाले नए लोग हैं फिल्म इंडस्ट्री के लिए। सर, आप अगर स्क्रीन पे अपना कोई नंबर या अपना नेम वगैरह शेयर करना चाहते हैं तो आप कर सकते हैं। जी बिल्कुल, इसके लिए 0300-9489-781, और ये आप आफ्टर 2 o'clock जो है PM में, यानी कि दोपहर के 2 बजे के बाद रात को 9 बजे के दरमियान आप कर सकते हैं। सर, ये बारी स्टूडियो के बारे में भी आप कुछ बताना चाहेंगे हमें? जी, बारी स्टूडियो मेरी बहन इस वक्त एशिया का सबसे बड़ा स्टूडियो है। एक वो दौर था कि यहाँ 25 से 30 शूटिंग्स जो हैं वो हो रही होती थी। उस वक्त जो एक्स्ट्रा काम कर रहा था ना, एक्स्ट्रा काम कर रहा था शाम को, उस दौर में वो भी 10,000 रुपये लेके जाता था।
उनके जाती घर हैं लाहौर शहर के अंदर, ये उस दौर में बनाए हुए हैं। शिफ्ट इतनी थी, यानी एक जगह शिफ्ट पे शूटिंग ख़त्म की, अपना गेटअप उतारा, मूछें उतारी, उधर उन्होंने पैंट शर्ट पहनी हुई है, आगे जाके फिर धोती लाचा पहना, मूछें लगाई, फिर शुरू हो गए, उधर एक घंटा काम किया, फिर ये दौर था। लेकिन अब जो है वो अब थोड़ा सा, क्योंकि हुकूमत सपोर्ट नहीं कर रही, इंडस्ट्रियलिस्ट जो हैं हमारे, जो फैक्ट्री ओनर्स हैं, वो सपोर्ट नहीं कर रहे फिल्म इंडस्ट्री को, जिसकी वजह से काम का फुकदान है। लेकिन इंशाल्लाह हम कोशिश कर रहे हैं, एक दिन ज़रूर हमारी मिन्नत रंग लाएगी। नए आर्टिस्ट भी पैदा कर रहे हैं, राइटर भी पैदा कर रहे हैं, एज ए डायरेक्टर भी पैदा कर रहे हैं, तो ज़रूर इंशाल्लाह। क्योंकि एक मिसाल बनी ना, हम होंगे कामयाब एक दिन इंशाल्लाह। जी नाज़रीन, आपने देखा कि फिल्म सरदारनी की कास्ट मेरे साथ मौजूद थी, जिनके साथ स्पेशली मेरे साथ कायनात, काशिफ और सिकंदर खान मेरे साथ मौजूद थे। इन्होंने बहुत मज़े मज़े की बातें की, और लास्ट में जिन्होंने मैसेज दिया है हुकूमत को स्पेशली कि हमें जो है इसको इंडस्ट्री को सपोर्ट करना चाहिए, तो हम सब यही कहना चाहते हैं कि आपको इंडस्ट्री को सपोर्ट करना चाहिए। इसी के साथ अपनी मेज़बान चंदा बुखारी को दीजिए इजाज़त, और देखते रहिए वन पॉइंट।